अगर आपके पास पैसा है तब आप राजनीति में आइए, अगर आपके पास धन है, दौलत है, जमीन है तब राजनीति में आइए, नहीं तो आप एक मुखिया भी नहीं बन सकते हैं। लेकिन अब बिहार के जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जो कभी कहा जाता था कि 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता था कि कभी जो है अपने यहाँ जो माली उनका था उनको टिकट दे दिए थे, कोई पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी को दे दिए थे, कई ऐसे समाज के लोगों को दिया गया जिस पर कोई सोच में नहीं सकता था कि कभी ये सदन में जाकर के जो है वो बोलेगी, आम आदमी के लिए लड़ेगी। मुन्नी रजक, हाँ आपने नाम सही सुना, मुन्नी रजक को जो है तेज प्रताप यादव के रेकमेंड पर लालू प्रसाद यादव ने MLC का जो है टिकट दे दिया है। और अब जो है मुन्नी रजक जो आम कार्यकर्ता है, जो कपड़ा धोने का काम करती है, अब वो माननीय बन गई है, यानी अब उनके नाम के आगे माननीय शब्द लगेगा। जब सदन में विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो कहेंगे कि माननीय मुन्नी रजक जो सदस्य हैं विधान बिहार विधान परिषद का, तो ये बिहार की राजनीति में और ये देश की राजनीति में एक अपवाद ही होगा। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको वार्ड पार्षद का भी चुनाव लड़ना है तो आपके खाते में 10 लाख रुपया होना चाहिए, अगर आपको मुखिया का चुनाव लड़ना है तो आपको 50 लाख रुपया चाहिए, अगर विधानसभा और लोकसभा लड़ना है तो करोड़ से नीचे कोई बात नहीं होगी। हम लोग 10 नंबर राबड़ी आवास के बाहर हैं। तेज प्रताप यादव ने जो है अपने गाड़ी में बैठा करके मुन्नी रजक को अपने घर ले गए और साथ में उनको भगवद गीता भी गिफ्ट किया। आप सोच रहे होंगे कि वो खबर तो हम आपको दिखाई दिए हैं, खबर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस राजनीति, इस महंगी राजनीति में कोई मुन्नी रजक जैसा भी हो सकता है जिसको MLC माननीय बना दे, और वो एक नेता जो कहे जाता है कि गरीबियों के मसीहा हैं। बार बार जब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जब लालू प्रसाद यादव के बारे में बात करते हैं तो एक शब्द बहुत कॉमन निकल करके आता है कि गरीबों के मसीहा हैं। लेकिन जो हम लोग जैसे पत्रकार हैं नहीं उस समय के राजनीति को, उस समय के जो एक तरह से जो तौर तरीका था हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन जिस प्रकार से मुन्नी रजक को टिकट दिया गया, आपको बता दें कि मुन्नी रजक का पटना में घर नहीं है, किराए पर रहती है, कपड़ा धोने का काम करती है, खुसरूपर में उसका जो है दुकान है, उनको एक तरह से टिकट दिया गया और मुन्नी रजक अब माननीय बन जाएगी। A to Z का जो एंगल था, बार बार जब पोस्ट पे RJD के जो कार्यकर्ता हैं फेसबुक पे लिख रहे थे कि हमने सब समाज को दिया, लेकिन उसमें दो समाज जो है अभी भी A to Z से बाहर था, पहला दलित समाज, दूसरा अति पिछड़ा समाज। अति पिछड़ा में जरूर आप कहिएगा कि रामबलि चंद्रवंशी MLC हैं, लेकिन दलित समुदाय से जो है कोई MLC नहीं गया था। मुन्नी रजक को जो है एक तरह से दे करके RJD ने एक तरह से ये दिखाने का काम किया है, और जो RJD के करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के प्रति समर्पित कर दिया है, धूप में आके खड़े हो जाते हैं, धूप में आके बैठ जाते हैं कि नहीं हम लालू यादव को चाहने वाले लोग हैं। आज लालू यादव ने जो है मुन्नी रजक को एक तरह से सीट दे करके MLC बना करके उन सारे कार्यकर्ताओं को जो है एक तरह से सम्मान दिया है। क्योंकि इस राजनीति में अगर अभी आप जो कैंडिडेट जो राज्यसभा के गए हैं या MLC के कैंडिडेट गए हैं, अगर उनका आप अकाउंट नंबर चेक कीजिएगा या अकाउंट देखिएगा तो उनके पास करोड़ों रुपए है, लेकिन हो सकता है कि मुन्नी रजक के पास आपको कुछ ना मिले। तेज प्रताप यादव ने जो है बिहार की राजनीति में एक नया उदाहरण दिया है। ऐसे तो तेज प्रताप यादव के कई कारनामे हैं, लेकिन तेज प्रताप ने जो है आज अलग तरह का एक तरह का उदाहरण दिया है, और एक आम घर की महिला, एक साधारण महिला, एक गरीब महिला, एक दलित महिला को जो है माननीय बनाने का काम किया है। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, सनी नाम है हमारा, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।